आप में से ना जाने कितने ही पुरुष अपने पीनेस पर उभरी हुई नसों को देखकर बहुत चिंतित हो जाते हैं, बहुत घबरा जाते हैं। तो क्या ये एक बहुत गंभीर समस्या है या बहुत नॉर्मल सी बात है? आज इस वीडियो के माध्यम से हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। नमस्कार, आई एम डॉक्टर अतुल भार्गव, मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर रोरास क्लिनिक। अक्सर हमारे क्लिनिक पे पेशेंट आता है और हमें कंप्लेंट करता है कि डॉक्टर साहब, हमारे लिंग पे, हमारे पीनिस पे उभरी हुई नसें, कुछ मोटी मोटी सी फूली हुई नसें हमें दिखाई देती हैं, तो ये हमें बहुत चिंता देती हैं। तो क्या ये नॉर्मल है? क्या ये बहुत गंभीर समस्या है? तो आज उन्हीं दर्शकों को मैं ये बताना चाहूँगा कि ये बहुत ही आम सी बात है, बहुत नॉर्मल सी बात है। आपको इसमें घबराने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है। आपको इसको समझने से पहले, इस प्रॉब्लम को समझने से पहले एक छोटा सा मैकेनिज्म मैं समझाना चाहूँगा, तो शायद उसके बाद आपकी इस समस्या को लेके जो घबराहट है, जो आपका इसको लेके बेचैनी रहती है मन में, वो शायद दूर हो जाएगी। देखिए, जो हमारे पीनिस में इरेक्शन आता है उसका संबंध हमारे ब्रेन से होता है। ब्रेन नर्व इम्पल्स हमारे पिनाइल मसल्स में भेजता है और पिनाइल मसल्स रिलैक्स होते हैं, वहाँ पे ब्लड का फ्लो जो है वो बढ़ जाता है और वहाँ पे इरेक्शन होना स्टार्ट हो जाता है। कुछ टाइम बाद वही नर्व इम्पल्स दोबारा उन्हीं पिनाइल मसल्स की तरफ जाता है और वहाँ पे मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाते हैं। और जब वो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो वो उस टाइम पे ब्लड जो है वो रिवर्स करता है हमारी बॉडी की तरफ, एंड दैट टाइम यू विल सी द विजिबल एंड प्रोमिनेंट वेन्स ऑन योर पीनिस। और वो बहुत मोटी मोटी सी, बहुत फूली हुई सी, उभरी हुई सी, कुछ हरी हरी सी क्वाइल्ड सी आपको दिखाई देंगी, कुछ जंबल्ड सी आपको दिखाई देंगी, जो कि आपके मन में एक भय, एक चिंता उत्पन्न करता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये बिल्कुल नॉर्मल सी बात है, अनलेस एंड अनटिल अगर आपको वहाँ पे कोई फिजिकल डिस्कम्फर्ट, कोई पेन नहीं हो रहा, तो उस चीज़ से आप बिल्कुल भी घबराएं मत। और अगर आपको फिजिकल डिस्कम्फर्ट या पेन होता है तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं हमारे नीचे दिए हुए नंबरों पे, या आप हमारे डॉक्टर्स के साथ, हमारी टीम के साथ, मेरे साथ अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं www.drarorass.com पे। और हमारी नई वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।